नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, नहीं आज मैं कोई परफॉर्मेंस वीडियो या फैशन वीडियो ये सब कुछ नहीं लेके आई हूँ। आप लोगों ने जो मुझे प्रेशराइज किया है कि कैमरा का वो ग्रेड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो पता नहीं मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि फेसबुक से अभी मेरे अर्निंग्स है लेकिन मुझे कोई कमाई नहीं है, और यूट्यूब से मैं हार्डली 10-12 हज़ार रुपये कमाई। तो ये है मेरा सोशल मीडिया का अर्निंग, हर जगह से अर्निंग जमा हो रहा है, इंस्टाग्राम से भी हो रहा है। आप लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इंस्टाग्राम में, बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, अभी कम रेट जा रहा है, बाद में बढ़ जाएगा, फिर मत बोलिएगा। तो इंस्टाग्राम से भी इन्वेस्टमेंट जम रहा है, फेसबुक से भी जम रहा है, प्रिया लहरी चैनल जो नया है वो जम रहा है, लेकिन मेरी जो अभी कमाई थोड़ी बहुत हो रही है ऊपर वाले की आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, वो अर्ली 20-25 हज़ार। बट आई नीड टू इन्वेस्ट मच एंड मच। तो मैं आज लेके आई हूँ ये वीडियो, पर्टिकुलरली है ये सबके लिए। आप लोग जानते हैं मेरा पहला फ़ोन जो है वो S21 A33, जो मुझे 2 साल पहले मुझे बर्थडे में किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, जिन्हें वर्चुअल वर्ल्ड से किसी ने नहीं गिफ्ट किया था, जो मुझे जानते हैं बचपन से उन्होंने गिफ्ट किया था। और देखिए, इसमें मेरी छोटी सी ब्रानी जब छोटी थी तब के है, जब वो सड़क में थी तब की फोटो है। ये है A33। ओके, बॉक्स पता नहीं अभी कहाँ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बर्थडे में मुझे क्या मिला S21, इसका तो मैंने वीडियो बनाया भी था, अलग सा वीडियो नहीं बनाया था लेकिन मैंने बनाया था। जब मुझे लास्ट ईयर में जब बर्थडे में बर्थडे केक काट रही थी, याद है आप लोगों को? वो अगर याद नहीं है तो गो बैक टू दैट, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, जल्दी से देखिएगा। S21 के ऊपर मैंने वीडियो बताया था, ये फाइनेंस में ही था, जिन्होंने भी दिया है वो अपने पैसे से फाइनेंस में दिया है। उसका केस ये है, क्योंकि मैं इसका केस नहीं दिखा सकती क्योंकि S21 से शूट हो रहा है, वरना आप कहेंगे नया फोन कहाँ लिया है, सिर्फ केस ही तो लिया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना हर सेकंड में जजमेंटल है, हर सेकंड में जगह। हाँ, मेरा बेली देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी जज कीजिएगा। हाँ, मैं बेली है बिकॉज आई एम इंडियन ब्यूटी, आई लव फैट ब्यूटी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई ब्यूटी। मैं खूबसूरत हूँ, मैं मोटी खूबसूरत हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी गॉड एंड आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे बोथ आर ब्यूटिफुल एंड हैंडसम। तो ये हो गया सेकेंड फोन, एक A33 फर्स्ट शूट के लिए। उसके बाद S21, आप लोगों के मतलब ख्वाहिशें बढ़ रही है, मैं इसीलिए कह रही हूँ मुझे इसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये सैमसंग का F54 ना, F54 है, ये मैंने दिया है, गिफ्ट किया है। ये देखिए, ये मैंने गिफ्ट किया है हमारे कैमरे वाले दादा को, फारूक जी को मैंने गिफ्ट किया है, उनको कभी कुछ मैं दे नहीं पाती, तो ये मैंने उनको गिफ्ट किया है। प्राइजेस बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब प्राइजेस जानते हैं। जी नहीं, मैं कोई ऑनलाइन नहीं करती, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ऑनलाइन में विश्वास नहीं रखती हूँ। तो ऑनलाइन का प्राइस आप मत जज कीजिएगा, जो मैं दुकान से खरीदती हूँ उसका जज कीजिएगा। तो ये उनको मैंने सैमसंग का, उनके पहला मोबाइल था J6, इससे पहले बहुत सर्विस दिया है उनके, देखा कि उनके मोबाइल का हालत ख़राब है और वो मेरे लिए इतना कुछ करते, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है थोड़ा बहुत उनको देने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे इतने वीडियोस बनाते हैं वो, और हर वीडियो के बाद बोलते हैं मुझे पैसा नहीं देते, पैसा नहीं देती है ये, पैसा नहीं देती है। तो ये है F54, बहुत बढ़िया फ़ोन है, सैमसंग का हर फोन ही बहुत बढ़िया है, लेकिन 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 मुझे अपने शूट्स के लिए चेंज करना था। मैं कभी आईफोन नहीं लूँगी, मुझे एडम और ईव नहीं बनना है, मुझे वो आधा एप्पल पसंद नहीं है, मुझे डे आईफोन 3 और 4, जब छोटे छोटे आईफोन था तब से लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरा जो रियल नेम है प्रियंका, तेरे हाथ में आईफोन ही सूट करता है, प्रियंका तेरा जो डिग्निटी है, तेरा जो लाइफस्टाइल है, तेरा जो खानदानी परिचय, उसमें आईफोन से ज़्यादा कुछ नहीं। जी नहीं, अगर मुझे आईफोन का बजट अगर मेरे पास है, मतलब अगर फ्यूचर में होगा आईफोन का बजट, तो उस बजट में मैं सैमसंग या कुछ और क्लासिक ब्रांड में जाना पसंद करूँगी, बट नॉट आईफोन। आईफोन की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो दिखता है वो नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आईफोन असेंबलिंग होता है चाइना में,
और मैं चाइना के खिलाफ हूँ, चाइना में असेंबली होता है, तो इस सब वजह से मुझे एक होता है ना, एक ब्रांड से लगाओ, एक ब्रांड से चिड़, मुझे आईफोन से चिड़, मुझे अच्छा नहीं लगता आईफोन तो, और अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर एक के हाथ में है आईफोन से, बट सैमसंग कंपैरेटिवली इज अ कॉर्पोरेट बेस्ड फोन, सो इट्स मच मोर क्लासिक कंपेयर टू आईफोन, मेरी सोच, मैं दूसरों की सोच नहीं बोल। तो मैंने रिसेंटली अपने पैसे दिए, किसी ने गिफ्ट नहीं किया, इनफैक्ट मैंने इस बार गिफ्ट किया है हमारे कमेंट वाले दादा को, परम जी को, ये मैंने लिया है, देखिए बॉक्स देखे हैं, वीवो X100 लेना पड़ा, ये बॉक्स बंद है, लेना पड़ा। इस बॉक्स में इन लोगों ने केस दिया है, इन लोगों ने ऊपर प्रोटेक्टर दिया है, लेकिन मेरे बच्चों ने जो हाल कर दिया, इट कॉस्ट अराउंड 90,000, कोई मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है, मुझे आप लोग तो जानते हैं लोन लेने से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, मैंने ये बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट किया है, अराउंड 30,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है, उसके बाद बाकी मैंने बजाज फाइनेंस से लिया है, और दिखाने की ज़रूरत नहीं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं। वीवो X100 देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहे, उसके बाद मैं फोन भी दिखा दूँगी, वीवो X100, ओके, इट कॉस्ट मी अराउंड 9,000, सो आई हैव टू शेड अराउंड 32,000 प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह फलाना फलाना सब मिला के 32,000 मुझे डाउन पेमेंट देनी पड़ी, उसके बाद बाकी मैंने, क्योंकि बजाज EMI कार्ड मेरे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरा ग्रेड भी नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, और कूलर जो लिया ले रही हूँ मैं, एक तो ले लिया है वो मैंने कैश में लिया है, वो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और दूसरे बच्चे के लिए और एक कूलर, ये देख लीजिए, एक छोटा छोटू सा कूलर मैंने बोला था उस दिन, ये इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ये चला जाएगा पूजा घर में, मेरे पूजा घर उसका फैन खराब हो गया, ये सब कवर्स मैंने बाहर से मंगवाया, हाँ ये कवर दुकानदार ने कुछ नहीं किया, मड़वाली दुकानदार है ना, वो लोग तो जानते हैं ना, 1 रुपये से 5 चवन्नी करना, वो तो मड़वाड़ियों का भाषा है, हम दुनिया के लोग चवन्नी 4 बनाते हैं, 1 रुपये से हम 5 बनाते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं देते। तो ये मैंने कवर बाहर से लगवाया है, खरीदा है मैंने, कोई मुझे देख के कुछ नहीं जाता है। मेरे बच्चों ने क्या कर दिया, देखिए पूरा स्क्रीन का सत्यानाश किया था, जिस बच्चों को मैं रेस्क्यू करके लाई हूँ ना, दो को दिखाना, दो सफ़ेद को दिखाना भी बाकी है, उन लोगों ने देखिए, ये स्क्रीन गार्ड जो है ना, ये स्क्रीन गार्ड कंपनी दे, वो दुकानदार ने कुछ नहीं दिया, ये पूरा कंपनी वीवो का स्क्रीन गार्ड है, वीवो का केस भी दिया हुआ है इसमें वीवो, लेकिन वो केस लगाया था इसलिए ये हालत हो गया, तो मुझे फैंसी नहीं चाहिए, मुझे इस 90,000 फोन का मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैंने ये तक सोच के मेरा ये, अब मैं अगर बाहर से जो लोकल प्रोडक्ट है वो तो और वीवो का ब्रांडेड नहीं है, जो लोकल प्रोडक्ट मैं जब लगाऊंगी इट विल कॉस्ट अराउंड, मतलब वो लगाने का हीट मशीन वगैरह ये सब होता, पता नहीं वो नॉर्मल स्टिकर नहीं होता, वो कॉस्ट अराउंड 2,000 का हो जाएगा, तो मेरे लिए ये लोग के, इन लोगों की वजह से ना मेरा खर्चा ही बढ़ता जा रहा है, थोड़ा लाइट बढ़ा देती हूँ, आप लोग जो करंट मेरे शूट्स देख रहे हैं तो वो यहाँ से देख रहे हैं, एक सेकंड, हाँ दिस इज, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ मैं, इसमें सिम है, मेरी माँ के नंबर का सिम है, वो प्रीपेड है, और मैंने में एक बार शायद करती हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें ये यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ मैं वीडियोग्राफी स्टिल्स ये सब के लिए यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैं ये लाई हूँ, वरना इससे शूट होता, अभी जो शूट हो रहा है वो S21 से, सैमसंग का S21 से शूट हो रहा है, तो आपने देख लिया है कि मैंने ये, देखिए कि इसका बैक लुक देखिए, इसका एवरीथिंग इज वेरी क्लासिक, मतलब आईफोन के दाम पर, आईफोन के का जो फीचर्स है वो इसमें सब मिल जाएगा, आप लोग भी ले सकते हैं 90,000 में, वो आईफोन का फीचर्स देना ये नहीं, इसमें 512 GB है और 16 GB है, 512 और 16 GB है, तो उससे भी हम लोग का होता नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुझे जो ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मिक्सिंग कुछ भी करने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, यहाँ पड़ा हुआ है लेनोवो का लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, बहुत कुछ खरीदना है, तो ये है अभी इससे शूट हो रहा है, आप लोग
नहीं इतना मेरा चिपचिचे, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट आई नीड सच टाइप ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट, आई शुड से बैड इन्वेस्टमेंट, बट आप लोगों की वजह से, मतलब अभी जो मेरा ग्राफ है, मेरा बेंचमार्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो मेरा ग्राफ है, मेरा जो इनकम हो रहा है उस हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन यू विल से दैट अगर आप क्वालिटी अच्छा करेंगे तो लोग देखेंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो इसका मुझे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, बोलो आप ही लोग देंगे। अच्छा ये सब मैंने खरीदा इतना, तो हमारे मड़वाड़ी वाले जो दादा है, दुकानदार है, उन्होंने मुझे दो चीज दी है, देखिए ये देखिए मेरी तस्वीर है, जिन्हें मुझे स्मार्ट वॉच वगैरह पहनना अच्छा नहीं लगता, ये सब मुझे इतना टेक्निकल या इतना मैकेनिकल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इसका केस ये है, कहाँ टाटा का है, ये टाइटन का है, टाइटन का ये उन्होंने गिफ्ट किया है, कॉस्ट अराउंड 11 or 12,000, उनका शायद जी जल रहा था, ये दिया है मुझे गिफ्ट, और ऐसे दो दिए हैं, एक फारूक जी लेके गए हैं अपने घर में, ऐसे मुझे दो दिए हैं, हालांकि ये भी मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं, तो मुझे दो दिया था, तो फारूक जी ने कहा कि तुम तो यूज़ ही नहीं करोगे तो मुझे दे दो, मैं ऐसे वैसे हो जाता हूँ, लेकिन आप लोग आज भी मुझे देखेंगे पुराने हेडफोन से बातें करते हो, मैं इतनी टेक्निकल और तो इतनी एडवांस पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल हूँ, वो जो फैशन वर्ल्ड की है वो जो वो अलग सी है, कोई क्लासिकल दुनिया है, वो मुझे प्रेजेंटेशन में करना पड़ता है, उसमें अगर मैं पेल दिखूंगी, अच्छी नहीं दिखूंगी, अच्छी से प्रेजेंटेशन नहीं करूंगी, तो कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा और कोई मुझे मॉडलिंग के लिए अप्रोच नहीं करेगा, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई मॉडलिंग में है वो वेस्ट हो जाएगी, तो बट इन रियलिटी आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, और मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा उड़ाया ना, अब मुझे जाके पैसे की अहमियत पता चली, इसलिए मैं बूंद बूंद करके जमाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं आज बैठी हुई इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि कल मेरी परफॉर्मेंस हुई थी उसके बाद मेरे पैर सूज गए, मेरा तो लेफ्ट साइड पैरालिटिक अटैक हुआ था, और मेरे होंठ भी अभी भी लिप्स मेरे ठीक नहीं है, लिप्स अब अगर जूम करके देखेंगे तो मेरे लिप्स में से देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा इस साइड पूरा पैरालाइज हो गया था, तो इन दैट केस आज मेरे बहुत ज़्यादा पैर सूज रहे थे तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं बैठ गई, तो ये दो दिया है, क्या ये हेडफोन, हाँ हेडफोन ही होगा, दो दिया है, और ये दिया है स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच दिया है, ये मैंने पहना है आप लोगों के लिए, वरना मैंने ये वो चार्ज वॉच देके मैं उतार के रखती हूँ, तो ये है इन्वेस्टमेंट, उनका फ़ोन भी मतलब करीबन मुझे सब मिला के 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख या ऊपर, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करती, मैं पैसे को लेके ऐसे 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 नहीं करती, ये सब करना माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, और हाँ लाइट्स भी मैंने चेंज किया है, आज आप अभी देख सकते हैं घर का लाइट्स चेंज किया, मैं जितना हो सके करता हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हाँ मेरा घर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ सीलन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ दीमक बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से प्लास्टर ऑफ पैरिस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर वाइट प्लास्टर ऑफ पैरिस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर सीलन का जो सीलन मतलब इंग्लिश में जिसको डैम कहते हैं, जो डैम अगर पड़ जाए तो मॉइस्चर अगर पड़ जाए तो ऐसा होता है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और ये सब बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम मेरे पास फंड नहीं है, जब होगा मैं डेफिनेटली कर लूँगी, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने सारे भगवान के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सब कोर्ट केस में है, अगर मुझे वो सब मिल जाए, मैंने अभी सोचा है ये सब कुछ मैं बेच बोझ दूँगी, लेके मैं एक सबर्बन में एक फार्म हाउस बनाऊँगी, और वहाँ मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, एक फार्म हाउस होगा, एक मंदिर होगा, और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे खेलने की जगह होंगी, बस मैं अपने आप को आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गो टू द सोलोलुकी लाइफ, मैं भीड़ भाड़ शहरी लाइफ, मैं दोनों लाइफ ही मैंने देख लिया है, मैंने अर्बन लाइफ देख लिया है, मैंने रूरल लाइफ ऑब्वियसली जो लोग प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो तो शहर में नहीं होते, शहर में तो कुछ सेफ्टी है, हमारे घर जैसे मतलब हमारे पापा जैसे जितने फौजी है दुनिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोब वर्ल्ड में जितने भी फौजी है, वो लोग अपने कंट्री की सेवा करते हैं, कंट्री को बॉर्डर में प्रोटेक्ट करते हैं, तभी सिविलियंस लोग खुशियां मना पाते हैं, तो बॉर्डर्स मतलब सिंस मेरे पापा का अपना कोई घर नहीं था तब,
तो इसलिए हम लोग दोनों को कैरी करना पड़ता है। सब ऑफिसर्स लोग अपने फैमिली को कैरी नहीं करते इसीलिए, और माँ अकेली बेटी नहीं है, माँ के और भी भाई बहन है, तो वो तो अलाउड पूरे साल तो नहीं करेंगे, और माँ भी यहाँ बैठ के क्या करेंगे पति अगर वहाँ रहे तो। इन दैट केस मैंने रूरल लाइफ देखा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो रूरल लाइफ एक अलग है। एक फौज का रूरल लाइफ बहुत क्लासी एलिगेंट होता है, लेकिन वही अगर मैं सिविलियन के तौर पर रहूँगी तो बहुत सारी मुश्किलात मुझे फेस करने पड़ेगी, जो कि हमें कभी फेस नहीं करें। हमारे बोलने से पहले हमारे सामने सब ऑर्डरलीज लोग सब कुछ लेके हाजिर हो जाते हैं। मैं पढ़ाई के टेबल पे स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, मेरे बुक्स ला के रैक्स में दे रहे हैं, मेरे पेन सर्व पढ़, मेरा काम है पढ़ाई करना, उठ जाना, उसके बाद ऑर्डरलीज फिर से जाना। इसी वजह से, इसी हैबिट के वजह से मेरी आदत इतनी खराब हो गई कि आई एम नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज वुमन, एट ऑल आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइज वुमन। मुझे कुछ संभाल के रखना नहीं आता, मेरा पूरा घर एक से लेके मतलब मेरे 12-13 कमरे से सब मेसी है, एक कमरा भी नहीं है सिर्फ पूजा घर का, जो वो इंक्लूसिव रख रही हूँ। एक्चुअली वो टेम्पररी पूजा घर है, इट्स 15x12 का घर है साइज का, तो पूरा घर मेरा मेसी है क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट नहीं आता है। और मैं अकेली रहती हूँ, किसी को बुला के ऑर्गेनाइज करूँगी अभी तक मेरी वो सोच नहीं। हाँ, किसी लेडी को बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को मुझे एक जगह पे डंप करना पड़ेगा, क्योंकि डॉगी देख के सब भाग जाते हैं, और ये लोग बहुत फेरोशियस है, क्योंकि ये लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा रॉ खाते हैं उसके बाद राइस खाते हैं, तो ये लोग बहुत फेरोशियस है। हाँ, अभी फिश भी आ गया, सो गए। तो इन दैट केस मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप लोग मुझे सपोर्ट अगर नहीं करेंगे, मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, नहीं मैं पैसे नहीं मांग रही इन लोगों के, आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पोस्ट को शेयर नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा सा डिम हो जाऊंगी। और एक बात है, नॉट टू फॉरगेट, मैं जब ये वीडियो बनाने की सोच रही थी तो हमारे जो कैमरा वाले जनाब है फारूक जी, उनकी सोच टोटली अलग है जी। नहीं, उनका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ही इज़ अ वेरी अनसोशल पर्सन, और वो वर्चुअल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते, वो रियल वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। तो उनका कहना है, तुम जिस मकाम पे हो, तुम्हारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, पैसे से फैमिली बैकग्राउंड नहीं आता था। ऐसा अगर ऐसा होता तो अम्बानी को हर कोई इज्जत देता, अम्बानी इज्जत पैसे से खरीदते, अम्बानी इज्जत पैसे से खरीदते, अम्बानी का कोई इज्जत नहीं। तो इन दैट केस अगर तुम टाटा का है, टाटा साहब का, रतन टाटा साहब का बहुत इज्जत है, क्योंकि वो दुनिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, दुनिया के लिए और हमारे इंडिया के लिए तो स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोरोना उन्होंने बहुत कुछ किया। उनका वेल्थ, उनका नेटवर्थ, उनका बहुत कुछ, मैं अम्बानी कभी भी उनके अभी तक वो जब जिंदा उनके करीब भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा डोनेट करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट, डॉगी के लिए उन्होंने जमशेदपुर का एक पूरा उनका घर दे दिया है, ये सड़क का जो आप लोग जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, विच आई से रियल इंडियन ब्रीड, वो उन लोगों को रहने के लिए दे दिया। तो इतना बड़ा दिल तो कभी अम्बानी का नहीं होगा, क्यों होगा, होगा भी क्यों, पारसी लोग का दिल बड़ा होता है, क्योंकि मेरे फैमिली तो पारसी कॉलोनी में रहते हैं, रहते थे रायपुर के, वो लोग गुजराती है, उन लोग का दिल कभी बड़ा नहीं होता, उन लोग का दिल कभी बड़ा नहीं होता, वो लोग हर वक्त लेना जानते, किसी को देना नहीं जानते। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस तो कर चुकी हूँ, लोगों तो मेरे तो अभी का मेरा बुटीक है, तो अब मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा माल वहाँ से आता है, गुजरात से आता है, सूरत से, तो मैं उन लोग का व्यवहार बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बाद उसके पहले जब मैं बैंक में काम करती थी, नौकरी करती थी HDFC बैंक में, मैंने पहले भी कहा था मैं HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे थी, यहाँ कोलकाता में श्याम बाजार बोल के एक जगह है, उस ब्रांच में थी मैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होता है ना, गिव एंड टेक, बेड शेयर करके प्रमोशन लेना, उसकी वजह से मुझे जॉब क्विट करना पड़ा, जो कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, कहीं भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मुझे किसी के साथ बेड शेयर करके कुछ ज़िंदगी में कमाना है। इसलिए कम कमाया है, लेकिन मेरा गुरूर ज़्यादा है, मेरा सर ऐसे होता है, मेरा सर झुका नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि तुम जिस बैकग्राउंड से हो, तुम राय बहादुर प्रियंका चौधरी लहरी हो, तो तुम क्यों ये सब, ये जो लोग ने, जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा है, जिन्होंने कभी लग्जरी नहीं देखा, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, वो लोग ऐसे ब्लॉग बनाते हैं
की वीडियो बनाते हैं कि आज मैंने एसी लिया है, आज मैंने फ्रिज लिया है, आज मैंने ओटीजी लिया है, ये देखिए ना इसमें वो पड़ा हुआ है, मुझे लैक्मे से जितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, तो यहाँ ओटीजी माइक्रोवेव ऐसे पड़े हुए हैं, तो तुम क्यों दिखाओगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज के दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो करते दिखाते, फर्स्ट थिंग मुझे ये वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं, हाँ यूट्यूब अगर कोई ऐड दे दे वो अलग बात है, लेकिन पैसे कमाने के बेसिक चीज़ है। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने नया फ़ोन किया है, मैं पिक्चर क्लैरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, दिक्कतें होगी लाइटिंग का। मैंने आप लोग जब जब मुझे पिन पॉइंट करते हैं, जब ये मतलब आप लोग मुझे करेक्शन करने की सुझाव देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई तो होगा करेक्शन, क्योंकि मैं दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो सब कुछ जान के दुनिया में आए, होता नहीं है। आप लोग मुझे सजेशन देंगे उसके ऊपर ही मुझे जाके वीडियोस बनाने, तो मैंने लाइटिंग की जितनी मेरी क्षमता में है मैंने कोशिश की। जी नहीं, मुझे वो टिपिकल रिंग लाइट नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं रील्स नहीं बनाती हूँ, मेरे जो लॉन्ग वीडियोस है वही रील्स में कन्वर्ट होते थे, और मेरे रील्स बनाने का थ्योरी थोड़ा सा अलग है, मैं स्टिल को कंपोज करके रील्स बनाती हूँ। हर कोई जो करता है वो टीना लाड़ी कभी नहीं करती, कभी नहीं करता, हर लड़की जिंदगी में एक बार होके किसी ना किसी लड़के के साथ डेट किया है, टीना लाड़ी ने नहीं किया, टीना लाड़ी की एक शादी हुई थी वो भी नल एंड वॉइड हो चुकी है, बस दैट्स इट, आई डोंट हैव एनी अफेयर्स एवर, नॉट येट रेडी टू मिंगल अगेन सेकंड टाइम, इफ आई गेट That will be a straight way marriage. कभी अगर 50 साल या 60 साल की उम्र में भी शादी करूंगी, that will be a शादी, not with any type of relationship or hi hello, थोड़ा डेट कर लो, थोड़ा टिंडर में जा लो, एकदम मेरे कंधे में मेरे स्वर्गीय माता पिता का इज्जत है, मेरे कंधे में रायपुर का इज्जत है, रायपुर के राय बहादुर चौधरी कंधे का इज्जत है, तो उसको मैं बरकरार रखना चाहती हूँ till I breathe last. तो मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि देखिए अभी आप वीडियो क्वालिटी देखिए, और मैं एक बात रिपीटेडली बोल रही हूँ कि ये अभी ये सेट नहीं हुआ है, फ़ोन का अभी सब कुछ सेटिंग से ही हुआ, सीखना पड़ेगा, हर नया चीज़ थोड़ा सा ऑपरेट करके सीखा जाता है, और मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई मस्ट से मैंने इतने साल सैमसंग यूज़ किया है, सैमसंग इज़ अ वेरी गुड फ़ोन, लेकिन आई मस्ट से इतने कम दाम में 90,000 मतलब 2 लाख होता है शायद, मुझे मालूम नहीं, आईफोन का टॉप मॉडल का दाम 2 लाख होता है, हाँ ये टॉप मॉडल नहीं, इसका एक प्रो है, उसका कीमत और भी ज़्यादा है, अराउंड मतलब 1 लाख क्रॉस करके जाएगा, 1,33,000 अराउंड, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, आप लोग जानते बेहतर। तो मैंने ये ख़रीदा है कि पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, सेल्फीज़ अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मूव्स अच्छे लग रहे, इसलिए मैंने ये खरीदा। लास्ट मोमेंट में मुझे स्विच करना था, मैं एक्चुअली S24 Ultra सैमसंग का जो है 1,22,000 ना 1,25,000 अराउंड है वो खरीदने जा रही थी, तो मुझे जो मारवाड़ी ज़्यादा पता नहीं उनका तो बेनिफिट ही होता, मैं अगर और भी हाई रेंज में जाती तो उनका बेनिफिट ही होता, लेकिन उन्होंने सजेशन दिया आप किस पर्पज़ के लिए ले रही है, मैंने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं वीडियोग्राफी के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी DSLR कैमरा नहीं ले सकती, क्योंकि उस कैमरा लेने से मुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा, तो मेरा पुराना लैपटॉप ख़राब हो चुका है, तो वो मैलवेयर इतना घुस चुका है उससे कुछ नहीं होगा, तो मुझे नया एडिशन का लैपटॉप लेना है। तो मैं उन्होंने कहा, सजेशन दिया कि अगर आप यूट्यूबर की तरह काम कर रहे हैं ना, यूट्यूबर की तरह काम नहीं करो, आप भी दादा आपने मुझे देखा है रील्स में, बोला हाँ हाँ देखा, हाँ तो आप फालतू की बात मत कीजिए, कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि तब आप ये लीजिए, और ये मार्केट में सीरियसली कहीं नहीं मिल रहा था, ये वो लाए दुकानदार लाए है, कृष्णा एंटरप्राइज है दुकान का नाम, आप गूगल में सर्च करके आपको पता चल जाएगा। तो वो लाए वर्धमान से, वर्धमान के एक स्टॉक डीलर के पास था, वहाँ से मंगवाए, ये इतना शॉर्टेज है कि कहीं भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। उन्होंने बोला, जब मैं ले रही थी फॉर्मेलिटीज सब क्लियर कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि दीदी ये इतना महंगा, इतना प्राइसेस इसलिए है क्योंकि इतने कम प्राइस में आईफोन का अगर फीचर्स दे रहे हैं और पिक्चर क्लैरिटी इज जस्ट ऑसम, तो ये इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है वीवो का, और आप लोगों से भी मैं उम्मीद रखूँगी आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने एक सही इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। मैं ये मोबाइल की तरह मैंने ये बाय नहीं किया, मैं ये कैमरे की तरह मैंने बाय किया कि वीडियो कैमरा, क्योंकि मोबाइल मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, 2 मोबाइल, एक X21 चल रहा है मेरा प्रिया लहरी का,
और A33 तो है ही अभी बहुत वेल एंड गुड कंडीशन में है, उससे मेरा टीना लैडी का चैनल चल रहा था, लेकिन इससे टोटली मेरा वीडियो शूट्स के पर्पस पे मैंने लिया और कुछ नहीं। इसमें यादगार के तौर पे मैंने माँ का सिम मैंने डाला है और माँ का नंबर एक महीना चो के मैं रिचार्ज करती हूँ, जस्ट माँ गोपा माँ लिख नाम उठता है, एक सुकून सा रहता है। तो यही है मेरी दुनिया, मैंने आप लोगों को दिखाया और आप लोगों का कमेंट का मैं और रिव्यूज का मैं कमेंट नहीं बोलूँगी, इट्स साउंड सो चीप, मैं रिव्यूज का इंतजार करूँगी। सॉरी आज मैं बंगाली में बात नहीं कर सकती क्योंकि ये मिशन का है, ये ओवरसीज दोज ओवर रिलेटिव ओवरसीज फ्रेंड्स दे ऑल्सो सजेस्टेड मी दैट यू शुड टेक अ गुड कैमरा फोन विच इज बेस्ड ऑन द क्लैरिटी ऑफ द कैमरा। तो आफ्टर सो मच ऑफ पुशिंग एंड ओवरलोडिंग सजेशंस, सो आई नीड टू बाई दिस, और ये बहुत लॉन्ग हो गया है, मैंने लास्ट मंथ को लिया है, बट नहीं लास्ट मंथ नहीं, इसी मंथ को मैंने लिया है, मैं ना हाँ मई के 7 तारीख को लिया है एक्चुअली। लेकिन मैं एक वीडियो था ब्लैक साड़ी में, मैं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ बहुत हरिडनेस में हूँ, उस दिन मैंने वीडियो का बहुत अच्छी तरह से शूट भी नहीं कर पाई थी, तो इसी रीज़न के लिए मैं जा रही थी, मोबाइल ख़रीदना था और उनके पास उसी दिन स्टॉक आया था ये प्रोडक्ट का, उन्होंने झटपट बुलाया था और बजाज के जो एग्जीक्यूटिव है उनको भी बुला के रखा था, और बहुत उस दिन लेट हो गया था मुझे घर आने में, करीबन रात के 12 बज गए थे। आप लोगों ने एक पोस्ट भी देखा था, थोड़ी सी मैं बंगाली में बोलूँ, अपनारा एक पोस्टो देखे, हमें एक बस स्टैंडे बसे पेचने अनारेबल सी एम एच स्टेटर अनारेबल सी एम মমতা ব্যানার্জী और অনারেবল এমপি মিস্টার সৌগত রায় ছিলেন। আমি কোনো পার্টিকে সাপোর্ট করি না, আমি বিজেপিকে করি না, আমি কোনো পার্টি সাপোর্ট করি না এবং আমার পার্টি পলিটিক্সে আমি ইন্টারেস্টেডও না। ইটস জাস্ট কি ওটা একটা বাস স্ট্যান্ডে গভর্নমেন্ট বাস স্ট্যান্ড করেছে, তো নিজের প্রমোশনের জন্য আর ভোটে চলছে সেশন চলছে, নিজের প্রমোশনের জন্য ওখানে একটা স্টিকার আছে, এটার সাথে আমাকে ট্যাগ প্লিজ করবেন না যে তৃণমূল চোর তুমি তৃণমূলকে সাপোর্ট করো না, বাবা আমি কাউকে সাপোর্ট করি না। এনি পলিটিশিয়ান ইজ চোর, কংগ্রেস চোর, বিজেপি চোর, তৃণমূল চোর, ছিন্নমূল চোর, এই মূল চোর, ওই মূল চোর, সবাই চোর, এরা চোর না এরা ডাকাত, এদের একটাই কাজ দেশটাকে কত পারো লুটে পুটে খাওয়া আর আমাদেরকে কত ইডিয়েট বানানো। উই নেতারা অত ওয়েল এডুকেটেড না, উই আর ওয়েল এডুকেটেড বাট উই আর দ্য গ্রেটেস্ট ফুল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই জন্য আমি এবছর ভোটও বয়কট করেছি, ভোট বয়কট করার পেছনে দুটো রিজন আছে, ইনফ্যাক্ট প্রথম কথা এটা জাস্ট 2 বছরের জন্য ভোট, আমি সায়ন্তিকাকে নিয়ে রিলেটেড না, সরি, এখানে যদি কোনো প্রেস্টিজিয়াস পলিটিশিয়ান আসতেন যিনি এক্সপিরিয়েন্স পেশিয়েবল তাকে তাহলে হয়তো আমি চিন্তা করতাম, সায়ন্তিকাকে নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড না, আমাদের এখানে সায়ন্তিকা 16 নম্বর বর্ণগর চত্বর, তো সায়ন্তিকাকে নিয়ে ইন্টারেস্টেড না। আর এটা 2 বছর 2026 হচ্ছে মেন ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে আমি যখনই পোল বুথে যাই সিপিএম এর কিছু লোক আছে, কিছু বাঞ্চেস লোক আছে, সবসময় আমাকে টার্গেট করবে, সবসময় টার্গেট করবে, অ্যাবিউসিভ কথাবার্তা বলবে। লাস্ট আমার মায়ের যায় অবস্থা, আমার মাকে রীতিমতো মানে একদম কোলে তুলে ভোট দেওয়া নিয়েছে, লাস্ট যে ভোটটা মা দিয়ে চলে গেল তখনও বিশাল একটা কেওস তৈরি করেছিল, বিশাল বিশাল, এমনকি ফোর্স আসতে বাধ্য হলো এবং ফোর্স এসে তাদেরকে চুপ করলো, আমার দোষ ছিল না। They are sick in the mind. They have ruled 34 or 36 years. I am not sure of that. 34 or 36 years, they have done nothing. For this state, CPM has done nothing. আমি পাবলিক প্ল্যাটফর্মে সিপিএম হ্যাজ ডান নাথিং, একটা আমার আমার বাড়ি যেটা সেখানে একটা রাস্তা ছিল না, লাইট ছিল না, জল ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, এই পাড়ায় প্রথম জলের লাইন আমার বাবা, রাস্তা ছিল না, আমার বাবার কোনো গাড়ি ছিল না, কিন্তু আমার বাবা নিজের পয়সা দিয়ে এখানে একটা কালভার্ট তৈরি করা, আমার বাবা এবং পাশের একজন প্রফেসর সেনগুপ্ত আছেন, তাদের দুজনের পয়সা দিয়ে কালভার্টটা তৈরি করা, আজকে দুনিয়াভর কাজে গাড়ি ওখান দিয়ে যাচ্ছে, আমার বাবার এই পাড়ায় প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট আছে। আর আমার বাবা একটা কথা, নেকি এসে করো এক হাত সে দো দুসরে হাত কো পাতা না চলে, আমিও ওটাতে বিলিভ করি, আমি যেসব ডোনেশন করি, আমি যেসব সাহায্য করি, আমি কখনো পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আনি। কেন রিসেন্ট একটা হয়েছে কলকাতার ক্যান্ডি লাইফস্টাইল নিয়ে, যে একটা বাচ্চাদেরকে পোলাও খাওয়াচ্ছে, আবার বলছে পোলাও এই খাইয়ে দেয়, তোরা জীবনে কখনো খেয়েছিস কিনা,
এটা তারাই করতে পারে চিপ মাইন্ডের লোকেরা যারা জীবনে নিজে পয়সা দেখেনি, হঠাৎ করে পয়সা দেখেছে, দেখাচ্ছে এই দেখো 30 লাখ কা গাড়ি, ইয়ে দেখো 50 লাখ কা ফ্ল্যাট, তারাই দেখাতে পারে। আমি কি আছি, আমার স্বভাবে, আমার ব্যবহারে, আমার ক্যারেক্টারে, আমার কথাবার্তা স্টাইলে, সেটা আপনারা বুঝে যাবেন, এটাই হচ্ছে কথা। এই সিপিএমের টর্চারের জন্যে, এই সিপিএমের টর্চারের জন্য আমি বুথে যাওয়া এই বছর আমি আর একটা সেকেন্ড কারণ, ফার্স্ট হচ্ছে শান্তিকাতে আমি ইন্টারেস্টেড না, ফর সাম পার্টিকুলার রিজন উইচ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেল অন দ্য পাবলিক প্ল্যাটফর্ম। সেকেন্ড হচ্ছে সিপিএমের টর্চার বুথ বলে, আমি যখন পার্টিকুলারলি আমি যখন যাব তখনই টর্চার, মানে ইরিটেটিং টর্চার, ইটস জাস্ট না দে আর ইউজিং স্ল্যাংস অন মি, নো, ইরিটেটিং টর্চার করবে, মানে ইট উইল ইক্স ইউ। আর থার্ড হচ্ছে যদি আমি তৃণমূলকে ভোট দিই, কি যাকেই ভোট দিই না কেন, এখানকার এখন ঘুরঘুর করা পাত্র হচ্ছে টিঙ্কু সাকু, দা টিঙ্কু সাকু। আমি আমি মালিক, আমি পয়সা, আমার কাছে পয়সা আছে, আমার কাছে পয়সা আছে, ভিখিরি পাতা পুড়িয়ে খেতে পয়সা আছে, কিভাবে বউকে ইউজ করে টাকা কামিয়েছে, বুঝতে পারছেন তো বউকে, ঘরের বউকে কীভাবে ইউজ করে টাকা কামানো যায়। আই হোপ ইউ হ্যাভ গট টু নো মাই পয়েন্ট। সো অ্যান্ড আমি আবার প্রাবলিক প্ল্যাটফর্ম, ওর বউ একটা মেড সার্ভেন্ট, পিওর মেড সার্ভেন্ট, লোকের বাড়ি যে ঝি বলে, ঝি কাজের লোক, ঝি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্ল্যাং না, ইট ইজ নট স্ল্যাং, আমি শুনেছি সব গ্রামে নাকি মেয়েদেরকে ঝি বলে, তো আই উইল সে ডোমেস্টিক হেল্প, হাউসমেড, মেড সার্ভেন্ট, ওই একটা ওর বউ ছিল। তো এরা আমার স্লিপার যেটা পরে আছে, এটা খাদিমের স্লিপার, তারও যোগ্য না। তো টিঙ্কু সাপই অ্যাকচুয়ালি স্লিপ গুনে নেবে, আমি অসুস্থ আছি, আমার বাড়িতে ভোট যদি দিই আমার বাড়িতে অটো পাঠিয়ে দেবে, আমাকে বুথ অব্দি যাওয়ার জন্য আমাকে হেঁটে যেতে হবে না, সব কিছু ঠিক আছে, বাট ওই যে স্লিপটা নেবে ওটা টিঙ্কু সাপই নেবে। আর টিঙ্কু সাপুকে আমি যেখানে সামনে দেখবো, খুব লাভ ভালো যে আমি রাস্তায় বেরোছি, আমার পায়ে জুতো খেলে ওকে আগে মার, ভিখিরি বাচ্চাটাকে আগে আমার পায়ে জুতো খেলে আগে ওকে মার, কেন ও কোনো হ্যাসিয়াতে পারে না, ওরই ছেলে মেয়ে ভালো হবে না খারাপ হবে বাবা মা সেটা তৈরি করে। আজকে আমি যে লেভেলে এসেছি, অফকোর্স 90% অফ দ্য ক্রেডিট গোস টু মাই পেরেন্টস, দ্যাট এনভায়রনমেন্ট, ও এতটাই নোংরা এনভায়রনমেন্টে নিজের ছেলেকে খুব ভালো এডুকেশন দিয়েছে, পাঠভবন না কোথায় পাঠ স্কুল না কি আছে এখানে পাঠভবন সেখানে পড়েছে, আমি কলকাতা সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু জানি না, সত্যি বলছি পাঠভবনে পড়িয়েছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুল, তো বেস্ট এডুকেশন দিয়েছে, ওকে ফাইন, বাট ঘরের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে না, অতীব নোংরা ব্যাকগ্রাউন্ড, অতীব নোংরা ব্যাকগ্রাউন্ড। একটা সময় টিঙ্কু সাপুয়ে যখন ভাঙা বাড়ি ছিল, ওখানে মানুষ ওখান দিয়ে রাত্রি 9টার পর ওখান দিয়ে যাতায়াত করতো, ওটা ওখান দিয়ে মেন যাতায়াত করা আমার পাড়ার রাস্তা, ওখান দিয়ে লোকে যাতায়াত করতে পারতো না, বিকজ অফ অনলি টিঙ্কু সাপুয়ের বাড়িতে যে মদের একটা পুরো আড্ডা বসতো, মানে একদম চাকনা মদ দিয়ে একদম এলএস ক্যাটাগরি যে সব বসে ওইসব বসতো। তো ইন দ্যাট কেস আমি এই তিনটে কারণে, আপনারা আমাকে বহু প্রেশার করে জিজ্ঞেস করছেন আপনি ভোট দেবেন কবে, ভোটের ভেটে বলেন, আমি এইটা এই জন্য এটাকে অ্যাড করে দিলাম, ফার্স্ট আই এম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট শান্তিকা, কেন এটা জাস্ট 2 বছরের জন্য, এটা একটা সিরিয়াস ভোট, আর সত্যি আমি এখন পলিটিক্স থেকে দূরে থাকতে চাই, আর যে আসবে দেখা যাবে, আমার একটা ভোটে না দেওয়াতে কিছু এসে যাবে না। সেকেন্ড থিং আছে সিপিএমের কিছু লোক আছে, কিছু পার্টিকুলার একটা দুটো লোক আছে যে ভীষণ মানে টর্চার টাইপের করে, হিউমিলিয়েট করে, ভাবে ওরা এক্ষুনি চলে আসছে পাওয়ারে। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে ওই টিঙ্কু সাপুই স্লিপটা যখন নেবে আমার হাত থেকে, তখন ওকে আমি জুতো খুলে মারবো, সুতরাং আমি ওই সিচুয়েশান থেকে নিজেকে সরে রাখতে, কারণ আমি আমার টেম্পারমেন্ট ধরে রাখতে পারবো না, আমি ওইটা আমার টেম্পারমেন্ট ধরে রাখতে পারবো না, তো ইটস বেটার টু অ্যাভয়েড দ্যাট সিচুয়েশান বাই সিটিং অ্যাট হোম। আমি যদি আমাকে কন্ট্রোল না করতে পারি, ওরা যেটা লেভেলে আছে ওরা সেই লেভেলে থাকবে, কিন্তু আমাকে যদি আমার লেভেল থেকে নিচে নেমে গিয়ে কিছু বলতে হয়, সুতরাং ইট উইল বি ইনসাল্টিং ফর মি, তো সুতরাং আমি ওই সিচুয়েশনটাকেই কভার আপ করবো, কি না আমি ঘরে থাকা বেটার করবো, যে জেতার হোক জিতুক, যে হারার হোক হারুক, এরা মারামারি করে মরুক, আমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, আর আমার সংসার, আমার পেটের ভাত আমাকে চালাতে হবে, আপনাকে চালাতে হবে, আমি আপনার সাথে রিলেটেড, আপনারা আমার সাথে রিলেটেড, একটা হাই হ্যালো মুড সুইং, গুড মুডের মধ্যে আপনারা আমাকে যথেষ্ট প্রেস করেন, আমাকে সাজেশন দেন, ভালো রাখেন, সুতরাং এটার উপর বেস করে আমি ভালো আছি, এর বাইরে জগতের সাথে আমার আর কোনো লেনা দেনা নেই। তো অন দিস নোট আপনারা বলুন, আপনারা তো অনেকক্ষণ আমার থেকে বাংলা শুনলেন,
सो आप लोग सब बोल दीजिएगा कि जो लोग हिंदी जानते हैं बिल्कुल बंगाली नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल बोल दूं कि ये बंगाल रिलेटेड है, तो आप लोग ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये पार्ट मेरा वीडियो का स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के नॉलेज के परे है। आप लोग पहले भी मेरे वीडियोस देख सके, इट्स रिलेटेड टू द करंट पॉलिटिकल कंडीशंस एंड फीचर्स एंड हैपनिंग्स सराउंडेड माय हाउस। सो वो इट इज़ नॉट टेक्निकली रिलेटेड विद दिस थिंग्स। व्हाट टेक्निकली रिलेटेड विद दिस थिंग्स आर that I have purchased these things, I have got gifts of these things, and I have gifted the cameraman the mobile, and now I am shooting on this mobile, and you must give a good review, how is the phone I have invested, and in that phone I have invested because of your sayings, you all sayings that have a good quality camera phone, or a DSLR, abhi main DSLR nahi karungi, kyunki DSLR khareedne se saath mujhe laptop hai। भविष्य में थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, मैं लॉन्ग स्टेप्स नहीं ले रही हूँ, मैं छोटी छोटी बेबी स्टेप्स ले रही हूँ। आगे जाके मुझे डेफिनेटली एक DSLR भी लेना पड़ेगा, मुझे एक लैपटॉप डेफिनेटली मुझे लेना पड़ेगा। जर्नी तो अभी शुरू हुई है, अभी एक साल भी नहीं हुआ, जर्नी अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं आगे जाके क्या कहाँ कैसे इस मुकाम पर मैं पहुँचती हूँ आप लोग का साथ लेकर। तो मैं आज बहुत लेंदी वीडियो हो गया, लेकिन आई रेस्ट माई वीडियो नाउ हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से सम थिंग्स विच आर रिलेटेड, बिकॉज यू आर टू मच पोकिंग मी दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड ब्ला 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 ब्ला। तो आई नीड टू मेक अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, मैं शायद ही रिसेंट टाइम में मैं फिर से वीडियो बना पाऊँ। तो आप लोग देख लीजिएगा और मुझे रिव्यूज़ में बताइएगा ये फ़ोन कैसा है और मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं। आप लोग अच्छे रहें।